Assalamualaikum, it's me Faizan and you are watching Study in Academy channel. आज हमारा टॉपिक एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ से रिलेटेड है. जमीन की जो डेंसिटी है वो एवरेज डेंसिटी कितनी होगी तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में. तो स्टार्ट लेते हैं. स्टूडेंट्स, इफ वी नॉट दैट डेंसिटी इज नोन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास को जो वॉल्यूम से डिवाइड किया जाता है किस चीज के मास को, तो डेंसिटी आती है नॉर्मली. या हम कह दें द रेशियो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम इज नॉन एज डेंसिटी. तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई. डेंसिटी होती क्या है, कोई चीज कितनी डेंस है, कितनी गाढ़ी है, उसका गाढ़ापन कहलाता है. जमीन कितनी डेंस है तो उसको हम फाइंड करेंगे और एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे. अच्छा जी, तो ये है कि हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम. ये फॉर्मूला है. लेट्स सपोज दैट मास ऑफ द अर्थ इज ME. ME हमारे पास मास ऑफ अर्थ है. RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, मास है ऑफ अर्थ. RE विल बी रेडियस ऑफ अर्थ. जबकि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ अर्थ कहलाएगा. अगर हम कंसिडर करें कि अर्थ इज अ स्फीयर है, स्फीयर मतलब गोल बॉल की तरह है, तो स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मली v इज इक्वल टू 4/3 πr³ होता है. किसी भी स्फीयर का, यानी गोल होलो स्फीयर हो या हम कहते हैं नॉर्मली स्फीयर की जो शेप होती है उसका वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है. तो हम यहाँ पर वॉल्यूम की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ 4/3 πr² की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी. आर की जगह रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा जमीन के लिए, क्योंकि अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ आर ई कहलाता है. जबकि ये पूरा होल हमारे पास मास ऑफ अर्थ कहलाएगा, इसका पूरा मास. ठीक है जी, तो रो विल बी इक्वल टू एम की जगह मैं लिख रहा हूं एम ई मास ऑफ अर्थ एंड द वॉल्यूम विल बी 4/3 πr³. आर ई का क्यूब. ये हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यूज है तमाम की तमाम. मास ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है एम ई की वैल्यू 6 × 24 kg, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ 6.34 तकरीबन, या हम 6.4 लेंगे, एक्सपोनेंट 6 मीटर में होता है. और पाई की वैल्यू 3.14 है. पाई विल बी इक्वल टू 3.142 या 14. तो ये हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म्स थे तो उनकी कॉन्स्टेंट वैल्यू मैंने आपके सामने लिख दी है, इसी को फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं. तो इसे देखें, हमारे पास रो विल बी इक्वल हो जाएगी मास ऑफ अर्थ यानी 6 × 24 kg डिवाइडेड बाय 4/3 πr² की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 6 जी. ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया और इसका हमें लेना है क्यूब, क्योंकि वहां पर फॉर्मूले में यहां पर है क्या क्यूब जी. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास तकरीबन वैल्यू आ जाएगी. मैं देख लूं कि अगर कैलकुलेशन हम देखें चेक करें तो कैलकुलेशन से तकरीबन वैल्यू मेरे पास आ रही है जी 3 पावर के साथ आ रहा है 5.52 वैल्यू आ रही है. तो बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर यूज करके 5.52 × 3. और रो का यानी डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो kg / वॉल्यूम का यूनिट m³. ठीक है जी, तो रो की वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ अर्थ यानी हम कह रहे हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू 4.52 × 3 kg/m³. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक डिस्कस करेंगे. जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम.